السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له <تصفح> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله وقال الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين

और उसके ताल्लुक़ से तो खिताब जुम्मा जो पिछला मेरा लाहौर में कुरान अकेडमी की मस्जिद में हुआ था वहाँ कुछ गुजारिशात रख दी थी और वो पंद्रह निकात की सूरत में इन हालात के हवाले से तबसरा भी है और नसीहत और नस्ख्वाही के जज्बे के साथ वो चंद बातें और उसी के जेल में तंजीम इस्लामी का मौक़ भी हमने बयान किया है इस वक्त उसको दोहराना मकसूद नहीं है लेकिन बहरहाल यहाँ दो जुमे कबल नागा हुआ था कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से तो उस ताल्लुक से यहाँ मस्जिद जामान कुरान कुरान एकेडमी डीएचए कराची में हालत हाजरा के हवाले से माजी में तबसरा हुआ अलबत्ता मैंने अर्ज़ किया था कि कुछ बातें इंतबात से पहले और कुछ बातें इतखा के बाद हम करेंगे तो वो इंतबा के बाद की जो बातें हैं वो गुजशत खिताब जुम्मा जो लाहौर का मेरा था उसमें मैंने गुजारिशात रख दी हैं तो वो हमारी वेबसाइट पर सोशल मीडिया के फोरम्स पर भी दस्याब हैं आप उनकी समात कर लीजिएगा इन कुछ और बातें भी हैं वो दीनी आ, सियासी जमातों के ताल्लुक से और दीनी हजरा के जो इंतवी सियासत के मैदान में मसरूफ़मल हैं कुछ हमने इशारता बात उसमें की थी मगर मज़ीद तफसी बातें आइंदा किसी और मौके पर रखेंगे अलबत् सर दस जो एक फ़ौरी नौीयत का मसला मुल्क में जारी है और वो एक फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब की, की तरफ़ से आया और अब तो सोशल मीडिया का दौर है हर चीज़ रात को एक बजे भी आ रही होती है और रात को चार बजे भी लोग देख रहे होते हैं और सुबह के सात बजे भी तो वो वाक़ और वो मुकदमा उसकी तफसीर भी आ चुकी हैं और उसी के ताल्लुक से चीफ़ जस्टिस साहब के हवाले से उनके फ़ैसले के बारे में आरा और उन पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है व की तरफ से भी जो उसकी कानूनी पेचीदगियां हैं मुल्क का एक कानून है और उस कानून के अंदर कुछ चीज़ें यकीन ऐसी हो सकती हैं कि जो शरीय के खिलाफ हों उन पर कलाम होना चाहिए मगर अदालत के जजेस भी कहते हैं हम तो कानून के पाबंद हैं तो कुछ कानूनी फैसले या कानून के मुताबिक जो फैसला दिया गया है उसके मुताबिक या उसके मुतल वकला की तरफ से भी अहले दीन की तरफ से भी मुफ्तीन कराम की तरफ से भी खासी बातें आ चुकी हैं और बहरल हमसे भी और हमारी जिम्मेदारी भी है इस तो एक मेंबर की ज़िम्मेदारी के तल्लु से भी और एक दिनी इज्तमियत की ज़िम्मेदारी के तल्ल से भी तो हमने भी मशवरे के बाद अपना एक फ़ौरी मौक़ क़ायम किया है वो मुख्तसर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इन शाथ ही साथ ये जो फ़लस् का मामला है वो तो हम बिल्कुल भूल गए यानी इंतबी सियासत का दंगल और मैदान सजा ये सब कुछ हुआ और हमारी तरफ से कोई ख़ास बात यानी एज अ कौम और ख़ास सब पर हमारे मुखदर तबकात ताकतवर तबकात मकतदिर तबकात हुक्मर को ख़ास उनकी तरफ से बात नहीं उठ रही ना हमारे यहाँ से न उम्मत मुस्लिमा की तरफ से और हद ये है कि पी एस एल का भी मैदान सजा हुआ है अब पी एस एल से क्या बनता है हाँ जी जो भी बनता हो हमें तो ज़्यादा शौक नहीं है अब अंदाज़ा कर रहे हैं मेरी कम इलमी का मगर क्रिकेट का मैदान तो सजा हुआ है ना पाकिस्तान सुपर लीग बनता है भाई वैसे आपस की बात है लेकिन अर्ज़ करने का मतलब है कि हम उस मैदान में भी अब देख रहे हैं छक्के लगेंगे चौके लगेंगे और द, द, दस ही और चीज़ें भी होंगी अलबत्त हम अब इस बात की भी इजाज़त नहीं दे रहे एक मोहतरमा ने अपना कुछ जज्बात का इजहार किया और उनको डांट डबट करके अद्दाफी स्टेडियम लाहौर में रोक दिया गया कि एक ऐसा छोटा सा बैनर कि जिस पर लिखा है कलस्टाइन विल बी फ्री बस फलसतीन आज़ाद हो जाएगा तो वहाँ के सिक्योरिटी अहलकारों ने इससे भी रोक दिया दलील ये दी कि पी के जो टिकट्स उनके बैकसाइट पर लिखा हुआ है किसी कस्म के बैनर्स की प्लेटकास्ट प्ले काट्स प्ले की इजाज़त नहीं कि जिसमें सियासी एतबार से मदहबी एतबारे कोई तशहर की जाए या कोई अलफा या कोई पैगाम दिया जाए जिससे लोगों की दिल आदारी हो तो सिक्योरिटी एहलकारों ने वो भी कानून के पाबंद हैं ना भाई ये बड़ा मसला है तो जी कानून आपको इजाजत इसकी नहीं है ये अलग बात है कि बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान ने वाजे तौर तो पर इतना जरूर कहा कि फलस्तीन में जुल्म हो रहा है इसराइल जुल्म कर रहा है मगर इतना बैनर के पेलस्टाइन विल बी फ्री फलस्तीन आजाद होगा इस जुमले के बैनर की भी पी एस एल के क्रिकेट के मैदान के दौरान में इजाजत नहीं दी जा रही और मैंने पिछली मरतबा खिताब जुम्मा में ये बात जिक्र की थी कि हमने तो कहा फ़लस्तीन और कश्मीर और बर्मा के मुसलमानों के लिए कुछ करना था और कहा हम जनाब महदी जब तशीफ लाएंगे और उनकी नुसरत के लिए खुरासान पाकिस्तान का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा यहाँ से फ़ौजों ने जाना है और वो पाकिस्तान जो एक तजरबे के तौर पर दुनिया के सामने हमने रखना था वो पाकिस्तान तो पता नहीं कहीं खो चुका है हम तो फ़लस्ती के बारे में अब बात करने के लिए भी तैयार होते हुए नज़र नहीं आ रहे बहरहाल जी ये दो इशूज़ पर ही कुछ बात आज हो सकेगी पहला मसला जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि एक कादियानीानी की तरफ से एक तफसीर जो उसके अकायद या इन कादियानियों के अक़ायद पर मबनी उसकी तशहर के हवाले से एक मुकदमा होते होते आ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया और वहाँ उसके बारे में फ़ैसला देकर ज़मानत मंजूर हो गई ये वाक़ तो सबके सबकेल में आ चुका इसके कुछ तो टेक्निकल पहलू हैं और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रेस रिलीज़ भी जारी किया गया है कि जनाब हमारे चीफ जस्टिस साहब की किरदार कुशी की जा रही है हालांकि वो कुरान की आयत भी पेश करते हैं अहादीस का भी हवाला देते हैं खुलफा राशिदीन का ज़िक्र भी करते हैं और कल एक और किसी केस में वाइल्ड लाइफ यानी जानवरों के हवाले से प्रोटेक्शन और हकूक़ की बातें उस पर भी उन्होंने वमा और सला का अमत आमीन का हवाला अखबारी इतला के मुताबिक दिया है और उन्होंने ये भी वकील से पूछा अखबारी रिपोर्टिंग के मुताबिक कि क्या अल्लाह के रसूल आसमाम ने तमाम अम्बिया की इमामत नहीं फरमाई थी तो बात ख़त्म हो गई अब हम जो रहनुमाई लेंगे वह रसूल्लाह से लेंगे सल्लाम अच्छी बात है जैसे हमने इसी जुमे की खिताब में कहा था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर हाफिज़ कुरान हैं और अगर वो क़ुर करीम की आयात तिलावत करके तर्जमा पेश करते हैं तो हम इसको अप्रीशियेट कर लें इसी तरह चीफ़ जस्टिस भी अगर आयात कुरानी को पेश करें तो हम उसको अप्रीशियेट करें अलबत्त ये ज़रूर देख लिया जाए कि जो आयात जिस मकाम और जिस मौके पर पेश की जा रही हैं वो मौका महल है भी कि नहीं एक सियाक व सबाक पस मंजर बैकग्राउंड ऑफ़ द डेवल्यूशन कहाँ कहाँ एप्लीकेशन अप्लिकेश, होगी कहाँ नहीं ये टेक्निकल मामला तो मैदान है दीन हले दीन का मैदान है और अगली बात यह है कि फतमिन अब किताबी फतफर अब बिबाद वाला मामला ना हो कि कुछ जगह तो कुरान याद आता हो और दूसरी जगह कुरान याद ना आता हो यह ना करें यह भी कुरान की आयत है अलबकायद नंबर पच्यासी कुछ जगह कुरान करीम याद आए और दूसरी दूसरी जगहों पर कुरान पाक याद ना आए ये पिक एंड चूज ये कुरान नहीं है कुरान कहता है पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो तो ये अपना दर्द दिल किसी और नुकते पर बाद में मैं रख दूंगा आज या आइंदा अलबत्ता ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रेस रिलीज भी आया कि जी गलत पेश किया जा रहा है तो इस हवाले से इस फैसले की बहरहाल कुछ, कुछ और कवानी का हवाला दिया जा रहा है ये टेक्निकल बहस तो वकला के मैदान की है जो आइन को जानते हैं आइन की तशरीहत का मामला फिर वो जजिस करते हैं हम इसके अहल नहीं है सीधी सी बात तो वो टेक्निकल बहस तो टेक्निकल लोगों की तरफ से आनी चाहिए वो कानून की बहस कानून जानने वालों की तरफ से आनी चाहिए हाँ यह है पाकिस्तान जिसका ऑफिशियल नाम है इस्लामी पाकिस्तान और इसके आइन में बहरा लिखा हुआ जरूर है हाकमियत अल्लाह ताला के लिए है जो कि कुरानी करीम की आयत की तर्जमानी भी है तीन मरतबा कुरानी अल्फाज हैं सूर्य नाम की आयत नंबर सत्तावन में सूर्य की आयत नंबर चालीस में यूसुफ की आयत नंबर

ये भी क़रने पाकि आयत की तर्जमानी बिल्कुल सही बात है सूर हजरात की पहली आयत का किस्सा तिलावत किया गया यादीना आमन तुकदेद्ही व रसूली ऐमान वालो अपने मामला को अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल आलाम से आगे ना बढ़ाओ तमाम मामला घर के हों बाहर के हों कारोबार के हों माशरत के हों मीशत के हों सियासत के हों अदालत के हों रियासत के हों अल्लाह ने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी तमाम के तमाम मामला में अपने मामला को अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ाओ जैसे एक बंद मोमिन पाबंद है अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम का कि उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे ऐसे ही एक इस्लामी रियासत वो पाबंद है कि वहाँ लॉ ऑफ द लैंड टॉप ऑफ द लिस्ट वो किताब सुन्नत के मुताबिक होगा खिलाफ नहीं हो सकता ये उसूली बात मैं कर रहा हूँ अब इसके तहत अगर पाकिस्तान के आइन या किसी कानून में कोई शे अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ है तो वह हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती अलबत् ये तय कौन करेगा जहरी बात है किताबों सुन्नत का इल्म रखने वाले वो दीन होंगे मुस्रद होंगे बाकायदा उनकी बोर्ड्स मौजूद हैं उनके पूरे कौंसल्स uh, मौजूद हैं तो ये तो तय करेंगे वो लोग जो अहले दीन दीन को जानने वाले हैं एक इंजीनियर से मैं अपने बेटे के लिए दवाई नहीं मांग सकता कि भाई मेरे बेटे की तबीयत खराब है तो आप उसको दवाई लिख कर दे दो एक डॉक्टर से मैं अपने घर का नक्शा बनवाने के लिए नहीं जाऊंगा इसी तरह अदालत की कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स हो सकता है वो पाकिस्तान के कानून को ताजी को फला फला को जानता हो लेकिन मुमकिन है कि वो किताबों सुन्नत का इल्म ना रखता उस गहराई के साथ जो कि इन मामला में जरूरी है तो भाई उसको भी क्लियरिटी रहनी चाहिए कि वो इस डोमेन में दाखिल ना हो और जो किताबों सुनना का इल्म रखने वाले इन मामला रहनमाई हासिल करे मसलन एक इस्लामी नजरियाती कौंसिल मौजूद है उसकी फॉर्मेशन और दीगर मामला वो बहस तलब हो सकते हैं मगर वहां उलमा मौजूद है वो कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी सतह का एक इदारा है आप वहां से रहनुमाई लीजिए और वो देते खुद मैं मैंने विजिट किया है वहां की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है बड़ा जबरदस्त काम है मगर वो रेकमेंडेशन ही हद तक है उस पर अमल दरामद नहीं करती ये खुद आईन के खिलाफ है इस पर कोई चीफ जस्टिस नहीं बोलता इस्लामी नजरियातींसल जयतमा भी मौजूद रहे बड़ा गिरा कदर काम उन्होंने किया उनकी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है दो तीन मरतबा मैंने वहां विजिट भी किया है और वो आईनी इधारा है और उनकी हैं मगर उन अमल नहीं करते और हमने तो नहीं सुना वाले की रिकमेंडेशन हो बाइंडिंग होनी चाहिए और उसके मुताबिक कानून साजी नहीं हो रही इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो अर्ज करने का मतलब उस बात हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आईन में हमने लिखा हुआ है। ये अलग बात है बकौल उस्ताद मोहतरम बानिय तंजीम इस्लामी डॉक्टर इसराज साहब रहा के, के इसी आइन में चोर दरवाजे भी हैं कुछ मुनाफिकत के दरवाज़े भी मौजूद हैं ये अपनी जगह एक टेक्निकल मैदान है अलबत् हमने अगर लिखा कि हाकमियत अल्लाह ताला की और कोई किताब उस सुन्नत के खिलाफ ऐसा यहाँ पर नहीं होगा तो बबा अगर इस वक्त के आइन में और इस मुल्क के कवान में अगर कोई खिलाफ किताबनत बात है तो वह हम कबूल नहीं कर सकते बात हाँ ये से मशवरा होगा यह फलाब के खिलाफ तो नहीं है तो आप उनसे रहन लीजिए नजरिया कौंसिल का भी एक फोरम बहरहाल मौजूद है और हमारी रिकमेंडेशन है कि जो हमारे ट्रेडिशनल ठेठ जो उम्मत की चौदह सदियों की पूरी चेंज चली आ रही है मकातब फिक्री अख्तिलाफ अपनी जगह मगर एक पूरा उम्मत का सिलसिला चला आया है तो जो मारूफ मकात फिकर के हैं उनके बोर्ड्स मौजूद हैं एक मारूफ है इतिहाद मदारिस। उलमा के मकातब फिकर के बड़े बड़े बोर्ड्स हैं जिनके तहत उनके मदारिस और उनके एग्जाम्स भी होते हैं और पांच बड़े विफाक या बोर्ड्स उनका एक सुप्रीम काउंसिल आप कह लें वो है इतिहाद तंजीमात मदारिस हमारे मुख्तर को या हुक्मरानों को अगर कोई दीनी मामला में कभी को रहनुमाई लेनी होती है या कोई मसला पेश आता है दिलों का हाल अल्लाह जानता है तो वो इनसे रहा करते हैं और ये फिर अपना मशवरा उनको देते हैं तो इस ताल्लुक़ से क्योंकि हसास मसाइल है ना तो किताब सुन्नत के लिए किताब मामला के लिए किताब सुन्नत के जानने वालों से रहनुमाई लीजिए तो हमारी एक और रिकमेंडेशन है कि इतिहाद तनजीमांतें मदारस की जिनमें मकतब देवबंद हदीस, बरेलवी हजरा और जमात इस्लामी का भी एक बोर्ड वो बोर्ड है उनका भी मदारिस उनके भी हैं और एक अहल तश्यो का भी है ये पूरा पाँच बनता है इतहाद तनजीमत मदारस तो लॉ ऑफ लैंड के अतबार से कि कहीं फ़लां फ़लां चीज़ें किताब सनत के खिलाफ तो नहीं तो इन को बोर्ड लीजिए ऑन बोर्ड लीजिए और अगर इस वक्त पाकिस्तान के कानून में या कवान में और आइन में अगर कोई बात खिलाफ इस्लाम है तो भाई उस कानून को बदला जाए ना कि ये कि उसको पकड़ कर गैर इस्लामी बातों की मुल्क में इजाजत दी जाए ना ना अगर कुछ कवानी खिफ़ी कुरान सुन्नत हैं तो उसके ताल्लु सेमा से, से रहनमाई हासिल की जाए ये तो एक असूली बात है मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ जो इस फैसले के बारे में प्लस माइनस फेवर अगेंस्ट जो भी टेक्निकल मबास हैं वो जजस कर लेंगे वो लॉयर्स कर लेंगे और एक मुल्की कानून के मुताबिक मसला सारा यह है अबतः मुल्की कानून में अगर कुछ चीज़ें खिताब उस सुन्नत के खिलाफ हैं जैसे कि चंद हैं तो उन उनन को बदलो भाई शरीय के खिलाफ कोई कानून हम कबूल नहीं कर सकते लाता तखलूकफमा सैतल रसूल सल वसम की हदीस अबू दाऊद शरीफ में मखलूक की ऐसी इतात जायज है जिसमें खालक के नाफरमानी होती हो तो अगर इन मखलूक़ में से कोई भी है अगर वो ऐसे कानून को पास किए बैठा है या पकड़े बैठा है जो किताब सुन्नत के खिलाफ है तो हमारे लिए उसका मानना जायज नहीं है क्लैरिटी रहे अगली बात इस्लाम में अकलियतों के हुकूक वैसे अक्सरियतों के हुकूक की तो बात ही नहीं हो रही गैरों को पिछली हुकूमत उससे पिछली हुकूमत पिछली सारी हुकूमतें हिंदुओं को मंदिर बनाकर दो सिखों को गुरद्वारे बनवा कर दो चर्च वालों की हिफाजत करो और मस्जिदों को शहीद करो अट्ठानवे फीसद इस पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं अक्सरियत के हकूक की बात ही नहीं और मुशर्रफ जैसे शख्स ने कहा कि इस पाकिस्तान के मदारिस दुनिया की सबसे बड़ी एन जी ओ है तुम एक टका यहां के मुसलमानों को मदारिस बल्कि पाबंदियां लगाते हो और दीगर दीनी इदारों को जो दीन का काम कर रहे हैं चाहे वो तुम्हारी इतलाह के मुताबिक प्रोफेशनली ट्रस्ट बनाकर ही क्यों ना कर रहे हो मैं खुद वाकिफ हूं रोडे अटकाते हो हा हिंदुओं के हकूक और क्रिश्चंस के मसीहत के मानने वालों के हकूक और सिखों के हकूक और वाइल्ड लाइफ जानवर के हकूक के लिए तो सारे फैसले हैं अक्सरियत के बारे में मैं भी रखूंगा आगे सूद के केस के बारे में और चीफ जस्टिस साहब से खिताब करके पहले भी मैंने कहा है आज भी कहूंगा इंशाला हक है हम पर अल्लाह की शरीय के लिफाफ का हक है कि अल्लाह उसके रसूल से जंग खत्म हो इसके बारे में कुछ नहीं अकलियतों के हकूक बहुत याद हैं गो के इसमें कोई शक नहीं है कि दीन इस्लाम जानवरों के परिंदों के दरख्तों के हकूक़ बयान करता है इसमें कोई शक नहीं हमारी खूबसूरत तारीख है कि कभी मुसलमानों में भी जंगे हुई तो मुसलमानों के तहत रहने वाले गैर मुस्लिमों ने बगावत नहीं की उन्होंने कहा कि नहीं जितने हकूक़ इनके दरमियान में रहकर हमें मिल रहे हमारे अपने भी नहीं देंगे ये हमारी खूबसूरत तारीख है ये हमारा खूबसूरत दिन उसकी तालीम है अग्रीड मगर अकलीतें सबको याद हैं अक्सरियत पर दीन नाफिज हो इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अब चाहे वह अकलीतों में किसी को भी शामिल कर लें अलबत् दीन ने इसकी इजाजत दी है और एक गैर मुस्लिम मुस्लिम गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम रहना चाहे रहे अगर इस्लामी रियासत मौजूद है और वो शरीय इस, इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता तो लाक रहाफ़ दीन का ये मतलब बिल्कुल ठीक है बकरा आयत नंबर दो सौ छप्पन दीन में कोई जबर नहीं मगर याद रहे इसका भी सही मफहम बयान किया जाए मैं हवाले देना काफ़ी नहीं है पीछे पस मंज़र भी होता है अग्रीड किसी को जबर करके दीन कबूल नहीं करवाया जा सकता ये अलग बात है कि अब ये दीनी मामला है किताब-उस सुन्नत की ताबीर का मामला है तो यह सुन्नत के जानने वालों से बात ली जाएंगी ये वो मुकदमा चला है इसके अंदर इस आयत का एप्लीकेशन नहीं बनता कोई जबर करके तो मामला करवाया नहीं गया है तो इस मुकदमे के बाद तबसरे में इस आयत का पेश किया जाना मुनासिब नहीं है हाँ कराची वालों को याद होगा इस शहर में बड़े बड़े बैनर्स हमारे सियासी कारकुनों ने लगाए थे एक दौर में लाअरा हफि दीन सूरतुल्बरा आयत सूरतुल्बकर सूरत नंबर दो आयत नंबर दो सौ छप्पन अंग्रेजी में तर्जमा छापा देर इज नो कंपलशन इन रिलीजन सूरतुल्बरा चैप्टर नंबर टू आयत नंबर टू फिफ्टी सिक्स उर्दू में तर्जमा दीन में कोई जबर नहीं वो बिल्कुल सही बात है लेकिन कहा दीन कबूल करवाने में जबर नहीं है बिल्कुल सही बात है हम किसी से गन पॉइंट पर इस्लाम कबूल नहीं करवाएंगे बिल्कुल सही बात है जो आज कुफर में रहेगा कल अल्लाह के यहां सजा पाएगा जहन्नम भगतेगा लेकिन जिसने दीन कबूल कर लिया है उससे दीन पर अमल करवाया जाएगा यह खामा खां की आजादी और मादर पिदर आजादी का कोई तस्वूर नहीं है हर एक को आजादी है आप आजादी देंगे इस मुल्क के किसी सरबरा को शैतान कहने की इस मुल के किसी बड़े जज को शैतान कहने के, के भी, मेरा दिल चाह रहा है, मैं शैतान कहू इनको इमलीज कहू इनको नहीं दी जा सकती भाई तो इसी तरह कोई आ, बहाने बनाकर डाके डाले हमारे अकद के ऊपर इजाजत नहीं दी जा सकती तो आयत को उसके मौका महल के अतबार से और उम्मत का एक पूरा सिलसिला चला देखो उम्मत ने क्या समझा इससे तो दीन कबूल करवाने करुण में जबर नहीं है बिल्कुल ठीक बात है एक गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम चाहता है रहे अगर इस्लामी रियासत कायम होगी उसकी बालादस्ती कबूल करना पड़ेगी आज आप और हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और वहां पर जनाब शहरीत हासिल करना चाहते हैं तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हैं कि नहीं मानते मानते तो किसी ने इस्लामी रियासत में रहना उसकी टर्म एंड कंडीशन को माने नहीं रहना चाहता बाहर जाए यहां से फिर सिंपल सी बात है उसूल हर जगह यह लगाओ ना भाई तो दीन कबूल करवाने करुण में जबर नहीं है लेकिन दीन पर अमल करवाया जाएगा दीन का हुक्म नाफिज किया जाएगा क्या मतलब बच्चा सात साल का हो जाए तो हदीस में क्या आता है नमाज की तलकीन करो दस साल का हो जाए तो क्या है सख्ती कराओ कैसे भला जैसे आप और हम अपने बच्चों को मॉन्टेंसरी कितनी उम्र में भेजते हैं बोले दो साल ढाई साल और डीएचए के इलाके में तो प्री बर्थ एडमिशन होते हैं बच्चों के लाइन लगा लगा के रात को सुबह फॉर्म लिया जाता है अभी बच्चा दुनिया में नहीं है उसका एडमिशन हो गया ये कौन सा जबर है भाई ये क्यों क्यों जबर क्युं कर रहे ना 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 अच्छी जगह एडमिशन हो जाए ये ढाई साल के बच्चे की बेस अच्छी हो जाएगी वो कहते साइकोलॉजी वाले के जनाब दो साल में इसकी नफसियात डेवलप हो जाती है इससे हम हम डेढ़ साल के बच्चे को भी डे केयर सेंटर में डाल डालने ये जबर कहां से आ गया नहीं इसकी बेस अच्छी हो जाए तो अल्लाह का रसूल भी फरमा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सात साल का हो कितना सात नॉट टू एंड सात साल का हो तो नमाज की तलकीन करो दस का हो जाए तो अंग्रेजी पे सख्ती करवाते मैथ्सिमिंग उसका, उसका स्मार्टफोन सब बंद करवा देते हैं बच्चा कहता अब ला फिदीन क्या चमाटा नहीं मारेंगे पलट के खबरदार जो तू नहीं आया पर कोर्ट की तेरी स्कूल की तालीम तेरे मार्क्स अच्छे आ जाए हाया ना जबर का नहीं होता मुझे बताइए साढ़े सात बजे बच्चे का स्कूल है और सात पैंतीस पहुंचे तो अगले दिन क्या होता है अगले दिन आपका बच्चा के बाद आएगा वापस हाँ या ना ये उस बच्चे के लिए जिसको आपने मैंने एडमिशन दिलवाया जिस बच्चों का एडमिशन नहीं दिलवाया वो घर पे दस बजे बैठा रहे कोई मसला है नहीं लेकिन जिसने एडमिशन लिया जिसके अम्मा अब्बा ने एडमिशन दिलवाया सख्ती कराई जाएगी बात वाज भाई हम बहुत अच्छे लोग हैं इतनी सादा सी बातें अगर हमें समझ आती है तो अल्लाह करे हमारे इन बड़ों को भी ये सादा सी बात समझ में आ जाए कि दीन कबूल करवाने में जबर नहीं है मगर जब दीन कबूल किया तो दीन पर अमल करवाया जाएगा दीन के अहकाम नाफिज किए जाएंगे तो गैर मुस्लिमों को गैर मुस्लिम रहने का हक है अगर वो इस्लामी रियासत में और इस्लामी रियासत की बाला दस्ती कबूल करें अपने अकीदे पर रहें कोई मसला नहीं अपनी मजहब की तालीमात पर अमल करें कोई इशू नहीं अपने मजहब की तालीम अपने बच्चों को दे कोई मसला नहीं उनका मबद जो भी इबादत गाह है उसके अंदर जो करना है वो करें कोई मसला नहीं है जाओ आजादी इसकी जंगी अहकाम जो अल्लाह के रसूल सलाम ने अता फरमाए आपने यह तक फरमाया सुबह पढ़ो तो सही भाई बयान तो करो मगरब के हमलों और दाली तहजीब के हमलों और शैतान के एजेंडे के जेर असर आकर हम उनकी बोलियां बोलना शुरू कर देते कुछ लोग अल्लाह के रसूल फरमाया जा रहा किसी जगह हमला करने यानी इकदाम करने बच्चों को कतल ना करना बूढ़ों को कतल ना करना औरतों को कतल ना करना माधूर को कतल ना करना जानवरों को कतल ना करना फसलों को ना काटना दरख्तों को ना काटना इलाके कहीं इजादत हो इबादत गाहों को ना ढाना और अगर इबादत गांव में कोई खड़ा होकर बंदगी में अपने मजहब के मुताबिक उसको हमला ना करना उसको कतल ना करना जो हथियार तुम्हारे सामने आकर डाल दे उसको छोड़ देना जो अपने घर का दरवाजा बंद कर दे उसको छोड़ देना तो बचा कौन जो खुद मरने को और लड़ने को आओ फिर तो कोई इशू नहीं है अपने मजहब पर अमल करो अपनी औलाद को तालीम दो अपने महबत अपनी इबादत गांव में अपनी रसूमाते मजहबी पर अमल करो कोई इशू नहीं लेकिन तुम बाहर निकल कर इस्लामी रियासत जहां किताब सुन्नत की वाला दसी जो नजरिए की बुनियाद पर है और भाई दुनिया में किसी मुल्क के आइन के खिलाफ कोई बात करने वाला क्या कहलाता है बागी समझे इस चीज को वो जनाब पिछला दौर था मुल्ला उमर रहमत का तालिबान अफगानिस्तान का दौर जनाब उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज पर पाबंदी लगा दी कि तुम ओपनली तबलीग नहीं कर सकते बड़ा ह्यूमन राइट्स का लोगों को ख्याल आ गया अरे तुम मुसलमान जाकर अमरीका में तब्लीग करते हो यूके में करते हो तुम्हें तो नहीं कोई रोकता और भाई इसलिए करते तुम्हारा कानून इसकी इजाजत देता है तुम्हारे आईन में तुमने थोड़ी गाए कि मसीहत हमारा लॉ ऑफ लैंड है और बस मसीहत के अलावा कोई बात करेगा तो उसके खिलाफ इकदाम जो बनाओ फिर उसको उन्होंने कहा कि हमने इमारत इस्लामी कायम की यहां सुन्नत की बाला दस्ती होगी इस नजरिए के खिलाफ कोई बात करेगा उसके हम इजाजत नहीं दे सकते बिल्कुल सही है समझे इन चीजों को रात मैं भी पढ़ रहा था कल भी मैंने मुताला किया बड़े खूबसूरत खूबसूरत आर्टिकल्स हमारे चल रहे हैं जनाब दौर बदल गया है दुनिया के मामला बदल गए हैं और हमें जरा देख लेना चाहिए क्या देख लेना चाहिए क्या अल्लाह बदल गया है अल्लाह की किताब और अल्लाह का दीन बदल गया है कि कुछ और देखे हम लोग मादल्ला हर चीज को क्लियर रखें बात इसमें भी एक मसला हमारे मुल्क में है यह है कानूनी पेचीदगियों पेचीदगी मकाम और टेक्निकल इशूज आइन में लिखा हुआ इसका हवाला भी लोगों ने दिया है जनाब मजहबी आजादी होगी मजहब पर अमल करने की आजादी होगी और उसको प्रोपोगेट करने की आजादी होगी यानी उसकी तबलीग करने की आजादी होगी तो ये जाए वा से पूछे अगर कानून में आइन में बात लिखी हुई है तो यह इस्लाम से टकराती ये शरीयत की तालीम से टकराती और शरीयत की तालीम आप नहीं जो अलमाए दीन जो आहले दीन जिन्होंने दीन सीखा दीन पढ़ा उनसे मालूम कीजिए जाकर ये अगर हमारे आइन में गुंजाइश दे रखी है तो इस सही नहीं इस पर कलाम हो सकता और होना चाहिए यहां इस्लामी नजरियाती कौंसल से पूछे इत्याद तनजीमत मदारस केमा से पूछे आपका हमारा कानून अगर गैर इस्लामी बात की इजाजत दे रहा है तो यह कानून गलत है इसके बदलने की बात होनी चाहिए न कि गलत कानून की बुनियाद पर मुसलमानों के दरमियान खिलाफ इस्लाम बातों की इजाजत दे दी जाए सीधी सी बात अब अगर एक कादियानी कोई कादियानी गैर इस्लामी अकाइद का प्रचार कर रहे हैं तो दुरुस्त नहीं है ये इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती अपने घर के अंदर रखो अपने माबत खाने के अंदर रखो दैट सेट और एक अगली बात समझ लें ये अभी जितनी बातें मैंने की है ना ये गैर मुस्लिम अकलीतों का मामला था माइनॉरिटीज कादियानियों का मसला खास और डिफरेंट है समझे सीज को खास मसला है क्या इनको कहा गया यानी जो कलमा गो हो या कोई शख्स कलमा गो है और वो रसूलुल्लाह रसूल की खतम नबूत का इनकार कर दे इस्लाम के मुसलमा अग्री अपॉन मामला में इनकार कर दे तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है फिर तफसीर समझाया जाना बताया जाना नहीं मानता तो फिर फैसला होगा उसके कतल का जी मर्तद अंग्रेजी में अपोस्ट्रेट कहते हैं बड़ा बुरा लगता है मगरब को लगता रहे तुम्हारी रियासत और तो तुम्हारे आइन के बागी को अगर तुम सरकश को और कतल करो तो इस्लामी नजरिए का बागी और सरकश उसके बारे में शरीयत की तालीमत मौजूद हैं सजाएं मौजूद हैं हती के मुरतद के लिए अपोस्टेट के लिए कत्ल की सजा भी मौजूद है येमाय दिन से पूछे जाकर तो कादियानियों का मामला डिफरेंट क्यों है ये वो कि जो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की खतम नबूवत के बाद अब किसी और को अल्लाह नबी तस्लीम करे जैसे कि करते हैं तो ये तो बहुत बड़ा डाका भी है मुसलमानों के दरमियान रहकर और ये इरतदाद है एपोस्टेट हो जाना मुर्तद हो जाना और उसकी सजा कतल तक भी है तफसीरतल से पूछे तो यह है कादियानियों का खास अलग मसला और फिर अगली बात क्या है वो अपने अकाइद को कहते हैं तो इस्लामी अकाइद है अल्लाह अपने झूठे नबी को कहते हैं मोहम्मद और रसूलुल्लाह अल्लाह अपने झूठे नबी के करीबी साथियों को सहाबा कहते हैं अल्लाह। और इस्लामी शायर और साइंस और सिंबल और अलामत को इस्तेमाल करते हैं यह सब कुछ तो पाकिस्तान के आइन के, के मुताबिक भी गलत है आइन पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि यह अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते इस्लामी शायर सिंबल साइंस यानी अपनी इबादत के तरीके को नमाज नहीं कह सकते और अपने खाने इबादत खाने को मस्जिद नहीं कह सकते इस्लामी इसलाह टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते यह है खास मसला कादियानियों का मसीहत के मानने वालों के बारे में बात नहीं है हिंदू मत के मानने वालों के बारे में बात नहीं है यह खास किसके बारे में है कादियानियों के बारे में तो ये ख़ास मसला है और ख़ास कादियानियों ही के बारे में तहरीक इस पाकिस्तान में चली थी और उन्नीस सौ चौहत्तर में इनको काफिर करार दिया गया था और सत्रह दिन की पूरी डिबेट तारीखी तौर पर मौजूद है ये पूरी तारीख हमारे सामने रहनी चाहिए तो बकिया अकलियतों के मुकाबले में इन कादियानीों का मसला बिल्कुल मुख्तलफ है चुनाचे इनको मुख्तलफ़ एतबार से डील किया जाएगा फिर टेक्निकल मबास हैं उस वक्त वो तो जो था जो था मिर्जा गुलाम उसके ताल्लुक़ से बाद में आने वाली नस्लों का क्या होगा ये से पूछिए किसका किस होगा ये से के अगर कुछ दिए गए तो उसका वह पसर जो दीनी एतबार से दुरुस्त है वो दीन वालों से मालूम किया जाए ये हमारी इस ताल्लुक़ से गुजारिश है अलबत् याद रहे कि यह खास मामला है कादियानियों का अलग दीगर अकलियतों के मुकाबले में इसको इस तनादुर में देखने की और दीन से लेने की है। अब अगली बात यह है और रहा कीजिए और इनपुट लिया जाता है वकला को सुना जाता है तो दीन वालों को दीन के मामले में सुन लेना क्या मसला है इसके अंदर देखिए भाई दिल से आज चीफ जस्टिस साहब के सामने फिर एक बात रखू आपको अगर आयात कुरानी ये याद हैं तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कुरान कहता है सूर अल बकरा की आयत आयतम टू सेवनटी एट टू सेवेंटी, सेवेंटी नाइन में यादी आ मन तक्ल वुमा बकिया मीना रबा इनकन तुमिन ईमान वालो अल्लाह से डरो और रबा सूद में से जो कुछ रह गया छोड़ दो अगर तुम वाक़त ईमान वाले हो और अगर तुम ये नहीं छोड़ते फ़न फ़ैलम तफ आलु फ़ःन बीमिन व रसूली अगर ये नहीं छोड़ते तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ ये जंग चल रही है भाई पाकिस्तान में कानून के सहारे और हमारे जजिस कहते हैं हम कस्टोडियन है आइन के और कानून के और बेड़ा गरक इस कौम का हो चुका है सूद के निजाम के जरिए और हमने पहले भी आपके सामने अदालत में तो हमें मौका नहीं मिलता ना जी एक दफा विफाक शरी अदालत में मिला वहां जजेस के सामने रखा और उनमें से एक जज जो थे वो बाद में शहीद भी कर दिए गए अल्लाह उनके दराजात बदन करे और बिल्कुल सही फैसला उन्होंने रमदान दो हजार बाईस में दिया था और उसके बाद को जनाब पिटिशन चली गई सुप्रीम कोर्ट के शरीत पैलेंट बेंच में और टेक्निकली बात मैंने क्लियर की है टेक्निकली कि चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शरीय पैलेंट बेंच का बेंच आपने बनाना है जो विफाकी शरी अदालत का दो हजार बाईस का फैसला आया कि सूद का खात्मा करे हुकूमत उसके खिलाफ अफीन आईनी आपके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शरीय बेंच में आपने बेंच बनाकर इस मामले को निपटाना है और आप नहीं कर रहे हो आप जारी रखे गो इस जंग को गोया के कादियानी का मसला आया तो बड़ी जल्दी से फैसले हो गए लेकिन उन्नीस सौ तिहत्तर के आइन में लिखा हुआ आर्टिकल थर्टी एट एफ के अंदर के हुकूमत सूद का खात्मा करे उन्नीस सौ तिहत्तर तो मेरे पैदा होने से पहले का साल है तो आपने अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं क्या मतलब है कुछ प्रेशर बाहर के हैं तो कुछ फैसले जल्दी हो जाते हैं अल्लाह का कोई प्रेशर लेने को हम तैयार नहीं अल्लाह से जंग चलेगी हमारी रसूल से जंग चलेगी हमारी अलैहि वसल्लम तो ये मेरा दर्द है देना चीफ जस्टिस साहब के लिए पहले भी एक हमने बयान दिया था वो क्लिप्स साथियों ने बना दिए थे फिर बन जाएगा इन और हमने भी मरना है आपने भी मरना है मुख्तर तबक़ात ने भी मरना है हुक्मरानों ने भी मरना है ये पिछले जुम्मे भी मैंने कहा आज फिर मैं कह रहा हूं कहा हम फैसले करते हैं मैंने पहले भी कहा था जनाब मुल्क के हालात हैं मुल्क के मसाइल हैं हम रात बारह बजे भी अदालतें खोल देंगे ओ भाई दिन के बारह बजे खोल दो रात बारह बजे खोल रहे हो सियासतदानों के लिए तो अल्लाह उसके रसूल से जंग के खात्मे के लिए दिन के बारह बजे अदालत खोल के निमटाओ ना इस मामले को और सूद के खात्मे का जो फैसला है उसको अप्लाई करवाओ इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करो यह है दर्द दिल तो कादियानी का मसला बिल्कुल सामने कुछ सवाल ही निशान खड़ा होता है और अल्लाह और उसके रसूल से जंग खत्म करने का मामला हम इसके लिए तैयार नहीं हो रहे ये बहुत अहम बात है कि जिस पर तवज्जो करने की जरूरत है बाकी छोटी बात है तो बहुत बड़ा मसला और वह है फलस्तान का मामला हम तो गुम हो गए इंतबी सियासत के अंदर हम गुम हो गए आजकल कल पी एस एल के अंदर और फलस्ती ठटाई इसराइल की बढ़ रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चलो पाकिस्तान ने जाकर मुकदमा पेश करना चलो बात करो हम कहते हैं बात करो उधर अमरीका ने फिर बदमाशी का इधार कर दिया फिर वीटो कर दिया सलामती काउंसिल के अंदर कि नहीं जी अमरीका कहते है चलने दो इसराइल को और जुल्म करने दो और मुसलमान हुक्मरान कहाँ खड़े हम सबको पता है इस्लामी एठमी पाकिस्तानी हमने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये असल जवाब था इसराइल का मगर हमारी जबानों पर भी बात नहीं हमारी जबानों पर भी बात नहीं और रोजाना अखबार तो कहता है डेढ़ सौ दो सौ शहादतें असल अल्लाह तानता है हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को ये मुसलमान हुक्मरान क्या जवाब देंगे अल्लाह को खुदारा हम गौर करें दुआ तो हमने करनी है बात तो हमने करनी है लेकिन हमने हर मरतबा कहा जिनके पास बातों से आगे बढ़कर कुछ कहने करने का इख्तियार है अल्लाह ताला उन्हें भी इसकी तौफीक अता फ़रमाए अल्लाह हमारे मज़लूम भाइयों, बहनों की मदद फरमाए हमारे बच्चों की मदद फ़रमाए अल्लाह ज़ालिमों के ज़ुल्म को रोक दे और अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हमारे पूरी उम्मत की बात कर रहा हूँ उम्म मुस्तिमा के हुमरानों को हमारी अफवाज को हमारे मुखदर तबक़त को अल्लाह गैरत दीनी अरमाए कि मरना हमने भी है और अल्लाह के सामने हम सबने भी हाजिर होना है वाखर दावान और अब्बिली